मुस्लिम पर्सनल लॉ, पत्नी घर छोड़कर चली गई, वाइफ को आप कैसे वापस लाएंगे? जी हाँ, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि पत्नी पति का घर छोड़कर के या अपने ससुराल को छोड़कर कहीं चली जाती है, कहीं चली जाती है या अपने माता पिता के साथ चली जाती है या किसी और के साथ रहना शुरू कर देती है। जो भी कंडीशन हो, हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के बारे में। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जब पत्नी पति के साथ अपना जो दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी का रिश्ता है, वो पूरा ना करते हुए कहीं और रहना शुरू कर दे या पति से अलग रहना शुरू कर दे, क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल है और मुस्लिम पर्सनल लॉ इस महत्वपूर्ण बिंदु पर क्या कहता है, बात करेंगे हमारे भारत के कानून का रेफरेंस लेते हुए। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट और मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित। सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका ही चैनल है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं टॉपिक पर जो मुद्दा था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। जब कभी भी बिना किसी प्रॉपर रीजन यदि पत्नी पति का घर छोड़ करके, अपना ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है या अलग रहना पति से शुरू कर देती है, इस कंडीशन पे हस्बैंड के पास में राइट है कि वो सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सके रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का, पत्नी को वापस बुलाने का। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एज ऑब्वियस, पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी हस्बैंड को वाइफ के अगेंस्ट में सिविल कोर्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, लेकिन तब क्या, जब पति ये साबित ना कर पाए कि उसकी जो वैलिड मैरिज थी या वैलिड निकाह नहीं था, तो अगर वैलिड निकाह नहीं था तो एज ऑब्वियस उसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की जो डिक्री है कोर्ट से वो नहीं मिलेगी। इस कंडीशन पे इस्लामिक लॉ को या मुस्लिम पर्सनल लॉ का अगर हम लोग रेफरेंस लें तो हस्बैंड के ऊपर जवाबदारी या जिम्मेदारी बन जाती है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो साबित करने का भार है वो हस्बैंड के ऊपर है कि वो साबित करे कि उसकी प्रॉपर मैरिज हुई थी और उसकी वाइफ घर छोड़कर चली गई है। इसके साथ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब कभी भी ये साबित हस्बैंड नहीं कर पाएगा कि उसकी वैलिड मैरिज थी, उसके सबूत नहीं कोर्ट के सामने रख पाएगा, तो कोर्ट की डिक्री उसे नहीं मिलेगी। प्लस जहां पर हस्बैंड डाउट कर रहा है, वाइफ के ऊपर डाउट कर रहा है, लगातार शक कर रहा है कि वाइफ का अडल्ट्रियस रिलेशनशिप है, किसी और के साथ में नाजायज संबंध है, तो इस कंडीशन में भी उसे डिक्री नहीं मिलेगी रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट की, अगर वो एडल्ट्री साबित नहीं कर पाएगा। तो केवल झूठे आरोप लगाना या कोर्ट के सामने प्रॉपर एविडेंस ना दे पाना, इस कंडीशन में जहां पर वो वाइफ के अगेंस्ट में एडल्ट्री क्लेम कर रहा है और एडल्ट्री के सबूत कोर्ट में ना दे सके कि उसकी वाइफ के किसी और के साथ में संबंध है, इस कंडीशन पर उसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री नहीं मिलेगी। AIR 1927 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट था जिसे हम लोग जमीरुद्दीन वर्सेस सहेरा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वाइफ कैसे बचेगी? अगर वाइफ को नहीं जाना, पति मारपीट करता है, परेशान करता है, तो जबरदस्ती तो वो नहीं रहेगी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्रुएलिटी का ग्राउंड लेकर के, क्रूरता का जो कि मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, मानसिक और शारीरिक दोनों हो सकता है, तो इस कंडीशन पे वाइफ के पास में सबसे स्ट्रांग डिफेंस होता है कि अगर उसका पति या जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो वाइफ के ऊपर, औरत के ऊपर मारपीट करते हैं, मेंटल या फिजिकल क्रुएलिटी करते हैं, इस बेस पर वाइफ के पास प्रॉपर डिफेंस है कि वो पति से अलग रह सकती है। इसके अलावा जहां पर हस्बैंड इंपोर्टेंट है, नपुंसक है, तो इस कंडीशन पे भी एक प्रॉपर आधार होता है, ग्राउंड होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ में वाइफ पति से, हस्बैंड से अलग रह सके। अब ये महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कभी भी डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट ग्रांट होगी, अगर बिना कारण पत्नी पति से अलग रह रही है, तो जो सिविल कोर्ट में केस फाइल किया गया था पति के द्वारा, वहां पर पति का साइड लेते हुए कोर्ट वाइफ को कह सकती है कि आप अपने हस्बैंड के साथ में वापस रहो या वापस अपने ससुराल जाओ। लेकिन जहां पर क्रुएलिटी है, चाहे वो मेंटल है या फिजिकल है या इंपोटेंसी है, हस्बैंड को नपुंसकता है वहां पर, या कि हस्बैंड ने किसी और औरत को अपने साथ रख लिया, पत्नी के जैसे दर्जा दे दिया है, तो ये सारी चीजें क्रुएलिटी के ग्राउंड में आ जाती हैं, और अगर ऐसा है तो वाइफ अपने पति से अलग रह सकती है। तो ये था रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जहां पर बिना कारण अकारण अगर पत्नी अलग रहती है, पति क्या कर सकता है और पत्नी के पास में क्या ग्राउंड स्पेसिफाइड है,
मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से उसके बारे में मैंने बात की। आपके कोई सवाल है कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिए। इसके साथ ही आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप मुझे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है और इसके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे बात कर सकते हैं। दिल्ली अगर ऑफिस में मुझे आप पर्सनली मिलना चाहते हो तो मेरे दिल्ली ऑफिस में मिल सकते हैं। और इसी के साथ जो हमेशा और कीमती महत्वपूर्ण समय आप मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।